Hey guys and welcome back to your channel Genius Guru. So दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप एक्टिव ऑटोमेटिक पेड व्यूज कैसे ले सकते हैं अपने पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट में। जी हाँ गाइस, जो वे मैं फॉलो करता हूँ सेम टू सेम वही आपको बताता हूँ अपनी नेक्स्ट हर एक वीडियो में। और दोस्तों कमेंट किया कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एक कमेंट मैंने देखा था कि भाई एक और पेड व्यूज से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बिल्कुल यूनिक तरीका आपको बताऊंगा पेड व्यूज लेने का, 100% लाइव प्रूफ के साथ आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा के। तो उट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना, बिकॉज यहां पे आपको डेली जेन्युइन एंड अर्निंग रिलेटेड कंटेंट इजीली वे में फ्रेशर के लिए डेली मिलते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे काफी ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो बहुत बहुत अर्निंग करने का दावा देते हैं, बट गाइस वो सारी वीडियोस फेक होते हैं। बैंक्स में हम लोग उसमें से नहीं कर पाते हैं जो फ्रेशर होते हैं, बट इस चैनल पे आपको फ्रेशर अर्निंग रिलेटेड बिल्कुल इजीली तरीके से कैसे अर्न किया जा सकता है वो आपको सिखाया जाता है। तो चलिए फटाफट से ट्रिक की तरफ चलते हैं। सो इस वेबसाइट का नाम है गाइस slashshot। गाइस इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। देन आफ्टर सबसे पहले तो हम इसका ट्रैफिक देख लेते हैं गाइस, जिस तरीके से मैं पेड व्यूज ले रहा हूं। ठीक है, तो हम जाएंगे सिमिलर वेब पे एंड देन आप यहां पे देख पा रहे होंगे यहां पे हमें ट्रैफिक देखने को मिलता है। टोटल विजिट 3.9 मिलियन गाइस एंड बाउंस रेट इतना, और पेज पर विजिट, ठीक है, हर एक पेज को विजिट किया जाता है एंड 3 मिनट से ज्यादा व्यूअर जो है एक पेज पे अपना टाइम स्पेंड करता है। और दोस्तों यहां पे इसका ट्रैफिक देखिए कंटिन्यू बस एक ही रेंज में है गाइस, यहां पे घटता तो बिल्कुल ही नहीं है, ओनली बढ़ता ही। और यहां से हम ट्रैफिक रीडायरेक्ट करेंगे अपने पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पे। और यहां पे देखिए आपको यहां पे सीपीएम भी हाई मिलने वाला है। अगर आपको सीपीएम हाई मिलेगा तो आपकी रेवेन्यू भी अच्छे से गाइस जनरेट होगी, और गाइस पेड फॉर आर्टिकल्स पे नहीं अपने ब्लॉग पे भी, नए ब्लॉग पे भी यहां से ट्रैफिक ले सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी गाइस, मैं आपको बता दूं मैं ये ट्रिक फॉलो करता हूं ऑर्गेनिक व्यू लेने के लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेने के लिए। सो आप यहां पे देख पा रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, इंडिया से भी हमें ट्रैफिक मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से भी एंड यूनाइटेड किंगडम उसी का है। सो यहां पे ओवरऑल गाइस ट्रैफिक काफी अच्छा है, सीपीएम बहुत हाई जाता है, चाहे वो एडसेंस की बात कर लो या पेड व्यूज की बात कर लो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फटाफट से यहां पे साइन अप वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको सिंपल नॉर्मल से गाइस एक एक स्टेप में क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको यहां पे अपना अकाउंट बनाना है। दोस्तों स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सिंपली यहां पे अपना नाम डाल देना। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे नाम डाल दिया एंड चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा आ जाएगा निकनेम इज नॉट अवेलेबल। सो गाइस आपको अपना नेम कुछ इस तरीके से शॉर्ट में लिखना है गाइस, कुछ भी रैंडमली से वर्ड चूज करना है। ठीक है, देन आफ्टर आपको यहां पे अपना फुल नेम लिख देना है। ठीक है, एंड देन आफ्टर यहां पे आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो मैं यहां पे टेंपरेरी मेल गाइस यूज करूंगा जस्ट फॉर सीइंग यू, जस्ट आपको बताने के लिए गाइस। तो मैं सिंपली यहां पे टेंपरेरी मेल को ओपन कर लेता हूं एंड वही यूज करूंगा गाइस। एक चीज और मैं बोनस टिप आपको बता दूं, कहीं पे भी आप किसी वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे टेंपरेरी मेल यूज किया कीजिए, अपनी पर्सनल मेल हर एक वेबसाइट पे मत दिया करो, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि हमारा डेटा सारा कुछ आजकल अपनी जीमेल पे ही रजिस्टर होता है, तो काफी हमारा डेटा जो है वो लीक होने की काफी चांसेस रहते हैं। सो हमेशा टेंप मेल यूज किया कीजिए, जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, जो यहाँ पे भी आपको कहाँ पे भी लग रहा हो कि यहाँ पे ओनली ये यूज करना है तो वहां पे उस सिचुएशन में आप अपना टेंपरेरी मेल यूज किया कीजिए। ठीक है, देन आफ्टर गाइस सिंपली आप लोगों ने कंपनी साइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों ने बतानी है आपकी इनकम कितनी है, तो आप लेस देन गाइस इनकम यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। देन आफ्टर आपको कंपनी नेम यहाँ पे चूज करना है एंड उसके बाद आप लोगों ने आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है सिंपली एंड आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। दैट्स इट गाइस, आपका यहाँ पे अकाउंट बन के रेडी हो गया। सो अब यहाँ पे एक लिंक गया होगा, सो गाइस यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा आपकी रजिस्टर्ड गाइस, जो भी आपने ईमेल आईडी वहाँ पे डाली होगी, फॉर एग्जांपल ये मैंने डाला तो यहाँ पे आ गया। अब सिंपली हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, आप अपनी यहाँ पे अगर गाइस इसे यूज करो तो आप अपनी पर्सनल डालना, बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है मेरी पर्सनल ईमेल आईडी से। सो जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ओनली शो कराने के लिए गाइस मैंने ये टेंपरेरी मेल यूज किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको और इसे वेरीफाई कर देना। आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है पासवर्ड रीसेट कोड, तो सिंपली आपको वहीं जाना है अपने मेल पे रिटर्न होके एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे एक रीसेट कोड मिल जाएगा, सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है। देन आफ्टर एज इट इज आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक रैंडम सा जिसमें
स्पेशल करेक्टर एंड कैपिटल लेटर एंड न्यूमेरिकल लेटर भी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड गाइस चूज कर लेता हूँ और यहीं पे एज इट इज वही पासवर्ड आपको एंटर कर देना। देन आफ्टर आप लोगों ने यहाँ पे चेंज लॉग इन प्रीफ्रेंस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा प्रीफ्रेंस चेंज। सो अब आप लोगों ने सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर डैशबोर्ड पे मिल जाएगा सबमिट वाला बटन, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। अब गाइस यहां से होता है हमारा मेन वर्क स्टार्ट। आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे स्टोरी टाइटल आप लोगों ने अपने पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पे या फिर कह लो ब्लॉग या जो भी आप जिस पे भी ट्रैफिक रिटार्ट करना चाहते हो वही आपको एज इट इज ओपन कर लेना है। देन आफ्टर अब गाइस आपको अपना पेड फॉर आर्टिकल्स का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन कर लेना है। देन आफ्टर आप लोगों ने अपना आर्टिकल जो है वो व्यू करना है। दोस्तों अभी भी ट्रिक एंड नहीं हुई है, मैं यहां पे एक चीज और आपको एक चीज और बोनस टिप बताऊंगा जिसकी वजह से आपके पेड व्यूज और मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली ये एज इट इज यहां पे पेस्ट कर देना है। देन आफ्टर आपको यहां पे अपना यहां से पूरा आर्टिकल गाइस नहीं उठाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको अपने आर्टिकल में से कुछ मेन पॉइंट उठाना है और बाकी का कुछ ऐसा रहने देना है जैसे कि जैसे एपिसोड आजकल के चलते हैं और लास्ट टाइम पे इस तरीके से खत्म करते हैं जैसे कि हमें एक एक्साइटमेंट हो जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड का हम वेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको आर्टिकल वहां से लीव करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज के बारे में डीपली बता रहे हो और उसके बारे में फिर वहीं पे एंड करके और आपने वहां पे लिख दिया रीड मोर या क्लिक हियर टू रीड कंटिन्यू ऐसे करके कुछ भी गाइस। तो गाइस रैंडमली मैं यहां से कोई सा भी एक पैराग्राफ यूज कर लेता हूं, तो आप लोगों ने कौन सा पैराग्राफ यूज करना है वो मैंने आपको इन शॉर्ट बता ही दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहां पे एज इट इज वही पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यूआरएल गाइस इसका हमें सेम टू सेम इसका हमने जो व्यू किया था हमारा यूआरएल ये वाला मिल गया। अब यहां पे हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे देन आफ्टर यहां पे एज इट इज उसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहां पे टिक कर देना है, ठीक है, यहां पे। देन आफ्टर आपको यहां पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहां पे गाइस थोड़ा सा मैं वेट करना है और फिर आपको एक कैप्चा आ जाएगा आपके सामने। तो यहां पे मैं इसे फिल कर दे रहा हूं गाइस COUPONS, ठीक है। तो यहां पे सिंपली मैंने इसे सबमिट कर दिया। देन आफ्टर थोड़ा सा मैं वेट करना है। सो गाइस एज यू कैन सी हमारा आर्टिकल यहां पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहां पे देखिए हमारी हेडिंग जो है वो यहां पे दिख रही है। आप कैची टाइटल भी यहां पे डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको टाइटल वही पेस्ट करना है। और यहां पे देखिए हमारा ये पूरा वो आ गया। सो गाइस एज यू कैन सी आपकी लिंक सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट की लिंक यहां पे रहेगी। देन आफ्टर फॉर एग्जांपल आपने वहां पे ओनली ब्लॉग पोस्ट मेंशन कर रखा, यहां पे देखिए वही ब्लॉग पोस्ट मेंशन हो गया। अब सिंपली अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करता है तो आपका अगर आर्टिकल यूजफुल हुआ तो आपके पेड फॉर आर्टिकल्स पर रिडायरेक्ट होगा और आपका यहां से सारा कुछ आर्टिकल रीड करेगा। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको यहां पे फाइनल कर दूं, देखिए हर एक आर्टिकल में अपनी आर्टिकल की लिंक एक दूसरे आर्टिकल में लिंक करके रखा करो, जैसे कि इसी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो आपको वो यहां पे मेंशन करना चाहिए कि ऐसे करके ऑल्सो नोन दिस ऐसे करके या इसे भी जाने अगर आप हिंदी में लिखते हो तो ऐसे करके यहां पे दो तीन आर्टिकल्स अपने आर्टिकल्स में लिंक करके रखा करो। क्योंकि अगर आपका इससे होगा ये कि गाइस अगर आप एक आर्टिकल कहीं पे भी प्रमोट करते हो तो उसकी वजह से एक आर्टिकल की वजह से आपके सब आर्टिकल समथिंग आपके सारे आर्टिकल्स यहाँ से ऑटोमेटिकली फ्री में प्रमोट होने लग जाएंगे और आपके पेड व्यूज आने लग जाएंगे। दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखिए आप लोगों ने यहाँ पे पेशेंस रखना है, आपको अच्छे से वर्क करना है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे डेली इसे एक दो घंटे डेली देना है, एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे सारे अपने आर्टिकल्स को सब कुछ रिडायरेक्ट करके यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल्स को मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पेड व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर गाइस। सडनली से कोई सा प्लेटफॉर्म रिजल्ट नहीं देता, वहां पे हमें काम करना पड़ता है, वहां पे उसको समझना पड़ता है। इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए गाइस हमें सजेस्ट करें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और अपना कमेंट भी हमें लीव करें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।